आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल रिमशा ब्लॉग्स। ओके जी, तो आज मैंने ब्लॉग शुरू किया फैसलाबाद के रूम से, क्योंकि उस रूम में दादा डी हो रही थी। तो खैर, मैं जाने वाली हूँ एक ट्रिप पे। उस ट्रिप में क्या होने वाला है, क्या सीन होगा और मैं कहाँ जा रही हूँ, ये सब आपको मेरी आगे की वीडियोज में पता चलेगा। सो अभी हमें जाना है बाजार कुछ चीज़ों के लिए, तो अभी चलते हैं बाजार और मैं बताती हूँ मुझे क्या क्या लेना है। तो चलो चलें। ये मामा और ये हमारा छोटू सा भालू भी रेडी हो गया। लेट्स गो, चलो चलो। अच्छा जी, हो गए थे रेडी, अब हम लोग निकल रहे हैं शॉपिंग के लिए। सबसे पहले हम लोग जाएंगे रिद्धा के घर, वहाँ से हमें कुछ पिक करना था चीज़ें, उसको अपना कुछ सामान लेना था। तो मैं आपको पहले बताते चलूँ, हम लोग जा रहे हैं एबटाबाद, उधर जाने के लिए तैयारी हो रही है, शॉपिंग वॉपिंग करनी है। आगे जाके आपको पता चलता रहेगा, एबटाबाद के बहुत सारे मज़े मज़े के ब्लॉग्स आने वाले हैं। तो भाई यहाँ पर हम आए थे रिद्धा के घर, हमें ना सूटकेस की ज़रूरत थी, जो हमारे पास था वो छोटा था, तो रिद्धा के पास जो थे काफ़ी बड़ा था, तो उसमें हम सबका सामान आ जाएगा। कपड़े ज़्यादा जाने थे क्योंकि मैं वहाँ पर शादी अटेंड करने जा रही हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड की। सो यहाँ पे बस रिद्धा के घर से वही पिक करने आए थे। मैंने बोला भाई बहन है, चल किसी काम तो आए। सो ये जो बड़ा वाला सूटकेस पड़ा है, हमें ये खाली करना है और ये लेके जाना था। कपड़े काफ़ी सामान ज़्यादा था मामा के मेरी शादी के, वैसे आम जो पहने थे सारे कपड़े थे, फहद का अलग सूटकेस बना था। सो बस यहाँ से हम लोग ये लेंगे और फिर हम उसके बाद जाएँगे बाज़ार। अच्छा जी, हम लोग आ गए थे बाज़ार। यहाँ रिद्धा कर रही थी रामीन की शॉपिंग, उसने उसके सर्दियों के कपड़े, सॉक्स वगैरह, कैप्स वगैरह लेनी थी, ये वहाँ से बस वो चीज़ें ली, इनर के लिए लेने थे क्लोथ्स, वो सब लिया। और फिर उसके बाद हम लोग गए, मुझे अपने लिए एक स्वेटर लेना था, मुझे बोलिया काफ़ी शॉप्स में घूमने के बाद जाके यार ये ग्रे वाला पसंद आया, इसमें काफ़ी वेराइटी थी, काफ़ी कलर्स थे। और पर्स हमने यहाँ से बिल पे किया और ये लिया, एंड देन फिर उसके बाद हम लोग खाने के लिए चले गए, बाज़ार आए और खाया कुछ नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। सो यहाँ से रिद्धा ने सैंडविचेस वगैरह लिए और मैंने और फहद ने खाया था फ्रेंगोस। फहद बर्गर ले गया था, मेरी फ्राइज़ नहीं लेके गया था, तो मैं यहाँ से बस अपने लिए फ्राइज़ लेने आई थी। सो मैंने ले लिया, मैं खाऊंगी एंड देन फिर आपको उसके बाद मिलती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद रिद्धा को जाना था पार्लर, हम वहाँ आ गए थे एंड देन हो गया सेकंड डे शुरू। और अब मैं और मामा आए थे पार्लर, हम लोगों को ब्लीच वगैरह करानी थी, कल काफ़ी थक गए थे तो रिद्धा का काफ़ी काम हुआ था, तो मामा ने बोला कि आज से वो हो लिया, हम लोग फिर नेक्स्ट डे आ जाएंगे। सो आज हम लोग आए थे दोनों ब्लीच वगैरह कराने। और देन यहाँ से मैंने फ्लावर्स लिए क्योंकि फातिमा के लिए और गिफ्ट रैप्स के लिए गिफ्ट्स ले लिए हुए थे। तो बस अभी घर जा रहे हैं, घर जा कर सारी पैकिंग वैकिंग करनी है। सो खुद उसकी हल्दी मैं करने वाली थी, सो उसके ड्रेस वगैरह हर चीज़ मैं लेके जा रही थी यहाँ से। तो ये रही फाइनल लुक जो मैंने उसके लिए बास्केट फुल रेडी की है। ओके जी, तो हम लोग जा रहे हैं एबटाबाद में शादी खाने। सो यहाँ मैं करने वाली हूँ अपनी पैकिंग, मैंने कुछ हद तक अपनी पैकिंग कर ली है, जैसे कि मैं अपने अपनी ज्वेलरी वगैरह रख ली है, अपना स्ट्रेटनर वगैरह, ब्रश, हर चीज़ जो रख ली है। ये भी थोड़ी सी मैनेज करनी पड़ेगी क्योंकि ऐसे तो मेरी ज्वेलरी हो जाएगी ख़राब, तो ज्वेलरी को निकालना पड़ेगा यहाँ से। इसमें से मैंने ज्वेलरी निकाल ली है क्योंकि वो हो जाएगी ख़राब। यहाँ मैंने एक अपना रखा है बैग जो कि मैं शादी में पकड़ूंगी, स्ट्रेटनर मेरी एक पैलेट है जो कि मेरी बैग में नहीं आएगी, बहुत बड़ी है, तो मैंने वो यहाँ रख लिया और साथ से हेयर ब्रश। और अब मैं पैक करती हूँ अपने कपड़े, फिर बताती हूँ आपको साथ साथ कौन सा किस चीज़ के लिए। ओके ओके जी, तो यहाँ पे मैंने रख ली हैं ये तीन ड्रेसेस, एक ये फ्रॉक रखा है मेहरून और नीचे भी जो है वो भी मेहरून और स्किन है नीचे भी जो है आप देख चुके हो, रखा निकाल रखा है। ये मैंने रखे हैं एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा फंक्शंस होंगे उनमें पहनने के लिए, नाश्ता पीछे जाना, ढोलकी वगैरह, हर चीज़ के लिए। ओके ओके जी, तो जो मेरा ये ड्रेस है ये मैं पहनूंगी वलीमे पे, साथ उसके एक दुपट्टा, और फिर ये है जो मैं पहनूंगी मेहंदी पे। ये हो गए मेरे सारे शादी के, साथ में ये रखने वाली हूँ एक शॉल वेलवेट, क्योंकि ऑफ कोर्स यार एबटाबाद जा रहे हैं तो सर्दी तो होगी और फिर ऊपर लेने के लिए चाहिए भी, और साथ एक और ड्रेस रखने मुझे ये, और जो भी नॉर्मल पहने वो भी रखने हैं। इसके साथ ही मेरा ब्लू दुपट्टा ही है, ये गाउन है और ये शॉल रखनी है जो गिफ्ट है। ये रख दिए मैंने अपने, मुझे शॉल लेके जानी है, अब मामा के रखेंगे अंदर। ये इसको निकालूं पहले, ओके नहीं। मेरा हल्दी का ड्रेस,
ये अम्मा ने रखी अपनी शॉल्स, मेरी भी घुसाएं वो वाली। ओके जी, फिलहाल जो है कपड़े वपड़े आ गए मम्मा के मेरे सारा कुछ, और अब जो है ना इसमें मैंने अपनी ज्वेलरी रख ली अब, और कुछ इसमें बस अब इसको कर रही हूँ मैं बंद। इसको इधर पीछे रख लेते हैं, होप ये आ जाए और ये बंद हो जाए। अब इसको करते हैं बंद, बाकी कुछ साथ साथ याद आता रहेगा तो फिर वो मैं साथ साथ जो है ना हम लोग इसको ऐड करते रहेंगे। फिलहाल के लिए अब इसको बंद करते हैं। टन हो गया पैकिंग टन, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बाकी आगे आगे भी सारी अपडेट्स देती रहूँगी। फिलहाल के लिए भी इस वीडियो को यहीं पे बंद कर रही हूँ। ओके जी, तो नहा मैंने पार्लर से आके नहा लिया है, सब कुछ कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या किया। हो गया है डन, अब सुबह निकलना है। सो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने ये ब्राइडल का रेडी कर लिया है मेरी बेस्ट फ्रेंड का। सो ये थाल भी आ चुकी थी, बैग, ये मेरी गिफ्ट्स पैक हो गए, ये जो अंकल आंटी को देना है, ये जो सुबह सफ़र में खाएंगे, और ये मेरा बैग मेकअप का एंड फ्लावर्स जो मुझे लेके जाने हैं, ये सब कुछ पैक हो चुका है। बाकी जो सामान है वो उधर है, और ये वाले व्लॉग का मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड। नेक्स्ट व्लॉग सुबह शुरू होगा, सेकंड व्लॉग तो वो हो वहाँ से शुरू करेंगे। इस व्लॉग को करती हूँ यहीं एंड। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया हो देख के मेरी पैकिंग सब कुछ जो जो कुछ मैं करती रही। सो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, वीडियो को फुल देख के जाना, और नेक्स्ट व्लॉग्स को देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहना। काफ़ी मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं, सारे अहमदाबाद के होने वाले हैं। सो बस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं आपको अपनी एक्साइटमेंट बता नहीं सकती। चलो मैं सुबह आप लोगों को अपनी एक्साइटमेंट बताऊंगी। वैसे तो मुझे आज पूरी रात नींद नहीं आने वाली। खैर चलो, भी करती हूँ इस व्लॉग को एंड। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।